Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am your Anushka ma'am और ma'am आज आपके लिए लाई है amazing news. Yes, ATP Star team आपकी NEET 2023 preparation को best करने के लिए ला रही है क्या? Champion batch. Yes, तो ये आपकी NEET 2023 preparation को एकदम excellent कर देगा. Yes, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. आपके इस champion batch में आपको पढ़ाएंगे Kota experts directly from Kota. यहाँ पर आपको मिलेंगे regular live sessions. यहाँ पर also आपको मिलेगी regular doubt solving sessions, जहाँ पर आप अपने doubts solve करवा सकते हैं from our experts. Also यहाँ पर आपको मिलेंगी test series, जहाँ पर आप compete करेंगे with the students all over the country. यहाँ पर आपको मिलेगा proper Kota study material and also आपको मिलेगी guidance. आपको अगर कभी भी किसी भी expert से बात करनी है तो you can talk to them. उसके लिए आपको क्या करना है? You have to call on this number. Yes. तो wait किस बात का है? जल्दी से enroll कीजिए इस batch के लिए and call us right now. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. हर किसी को ये प्रॉब्लम तो होती होगी, हर किसी को ये कंफ्यूजन तो होती होगी, हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर होता होगा कि यार जो टॉपर्स हैं उनको सब कुछ याद कैसे रहता है, कैसे, क्या हम भी वैसे ही याद कर सकते हैं, क्या हमारा माइंड भी बिल्कुल वैसा हो सकता है और हम भी टॉपर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड टॉपर. सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज योर अप्रोच, कि आप किस तरीके से सभी चीजों को पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं. तो आज मैम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हैं जो जनरली टॉपर्स यूज करते हैं, या फिर आई वुड से कि जो जनरली हेल्प करती हैं चीजों को याद रखने में. तो चलिए आज हम इसी की बात करते हैं. तो अब आपके सामने पूरा फ्लो चार्ट आ गया है कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपके मेमोरी को शार्प करने में. तो चलिए वन बाय वन सभी की बात करेंगे. तो सबसे पहले, हाउ टॉपर्स ऑलवेज मेंटेन देयर मेमोरी, चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं वन बाय वन. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑलवेज रिवाइज. यस, यानी कि ये तो हमने हर जगह सुना है कि भाई हर टाइम आपको इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए रिवीजन. जितना आप अच्छे से रिवाइज करेंगे उतनी चीजें आपको क्लियर होंगी. देखो, रिवाइज करने से भी पहले इंपॉर्टेंट क्या है? चीज को अच्छे से पढ़ना. तो मैं ये अज्यूम कर चल रही हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को, उसको बहुत अच्छे से रिटेन कर रहे हैं. एंड उसके बाद का स्टेप आज मैम आपको बताने वाली है, राइट? तो रेगुलर रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है मैम, ये तो हमें समझ आ गया. लेकिन ये क्या लिखा है आपने, IEEE 1 मेथड? तो अब मैम इसकी बात करेंगे कि I111 मेथड क्या है. इसको अप्लाई कीजिए और अपना स्कोर बढ़ाइए. यस, तो चलिए इसकी बात करते हैं. अगर हम यहां पर IEEE 1 की बात करें तो I जो है दैट स्टैंड्स फॉर इमीडिएट. What it stands for? Immediate. Perfect. तो मैम जो 3 1 1 है वो चलिए उनकी भी बात करते हैं. 1 stands for 1 day, 1 stands for 1 week, and the last 1 stands for 1 month. तो अब समझो कि इसका मतलब क्या है. अभी आपने एक चीज पढ़ी, अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा और बस चले गए, तो एक बात हमेशा याद रखना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप एकदम से पढ़कर हट रहे हो, अब आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ याद है, लेकिन आपको उसका सिर्फ 50% ही याद है, बाकी आपको अभी याद नहीं है. तो बाकी का याद कैसे होगा? बाकी के 50% के लिए आपको इमीडिएटली रिविजन करना पड़ेगा. यानी कि अभी कुछ पढ़ा, यस, उसको उसी के उसी टाइम ही रिवाइज करो, फिर वो आपके माइंड में रिटेन रहता है. तो इमीडिएट, आई स्टैंड्स फॉर इमीडिएट. परफेक्ट. नेक्स्ट इज 1 डे. उसके एक दिन के बाद में उसको फिर से रिवाइज करो, उसके बाद में उसके एक वीक के बाद में उस चीज को फिर से रिवाइज करो, एंड देन एक मंथ के बाद में रिवाइज करो. अगर ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए तो माइंड इट, हर चीज याद रहने लगेगी. इसको अप्लाई करना शुरू कर दो, हर एक चीज आपको याद रहने लगेगी. परफेक्ट. तो अब आपको क्या करना है, इस टेक्निक को यूज करना है. चलिए मैम, इतना हमें समझ आया, इससे हम अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट इज योर नेवर गिव अप. यस, देखो, बहुत बार डीमोटिवेशन होगा, बहुत बार चीजें नहीं समझ आएंगी, बहुत बार क्वेश्चंस करेंगे नहीं होंगे. अब क्या करना है, जनरली गिव अप कर देते हैं, नहीं करना है. नेवर एवर गिव अप. इट इज राइटली सेड दैट इट इज नॉट ओवर अंटिल आई विन.
यस, ये अगर आपके मन में है कि मैं ये फील ही नहीं कर सकता कि चीज खत्म हो गई है जब तक मैं ना जीत जाऊं, कीप गिविंग ट्राइज, यस, बार बार उस चीज को पे फोकस करो, आप जरूर करोगे। अब इसका मतलब क्या है, एक आपके नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, हमने एक क्वेश्चन किया हमसे नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, हम डाउट सॉल्व करवा लेंगे किसी से, या फिर हम क्या करेंगे, सोल्यूशन रेफर कर लेंगे। डोंट डू दैट, ट्राई, बैठो उस पर, सोचो उस पर कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे कैसे, आई विल डू इट, ये जो आपके अंदर से आवाज आएगी ना, दैट आई विल डू इट, वो जब आएगा तो आपको यहाँ पर टॉपर जैसी फील आएगी। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, उसको उस पे दिमाग लगाओ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड को इंक्रीज कर रहे हो, सोचने पे मजबूर कर रहे हो, और उसी से आपका माइंड शार्प हो रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट इज हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉपर विटामिंस एंड मिनरल्स आपकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक फूड खाओगे तो क्या आएगा, सिर्फ नींद आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, तो अच्छी चीजें खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, एंड माय एडवाइस टू यू इज पूरे दिन में लाइट मील्स लो। क्या करो, छोटे छोटे टाइम स्पैंस में छोटी छोटी मील्स लो, और पूरा का पूरा, जैसे हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं ना, फिर हमें नींद आने लगती है, तो उससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो आपका ऑक्सीजन है वो तो डाइजेशन में जा रहा है, तो दिमाग क्या करेगा, सोएगा ही, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए डे टाइम पे क्या करो, छोटी छोटी मील्स लो, ताकि माइंड फ्रेश रहे, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई वो क्या हो गई, हेल्दी डाइट हो गई। यहाँ पर भी हम कई बार चूक जाते हैं, जंक फूड खा लेते हैं या बहुत सारा खाना खा लेते हैं, तो उससे भी हमारा माइंड जो है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज योर हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल से यहाँ पर मैम का क्या मतलब है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक स्टूडेंट है जो बहुत ही साफ रूम में पढ़ाई कर रहा है और अच्छी सनलाइट आ रही है, परफेक्ट। एक रूम ऐसा है जहां पर अच्छी सी लाइट भी नहीं है, सेकेंडली वहां पर बहुत गंदगी है, तो अब आप अच्छे से अज्यूम कर सकते हैं कि जो बिल्कुल साफ रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है वो ज्यादा अच्छा होगा। यस इट इज, खुद ट्राई करके देखिए, जब हम गंदगी में पढ़ते हैं, गंदगी से मेरा ये मतलब नहीं है कि बहुत गंदा, बट थोड़ा मेसी रूम जब होता है तो हमारा माइंड हैप्पी फील नहीं करता, हमें अंदर से गुड फीलिंग आनी चाहिए, तब हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इसलिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, दैट इज आपको क्लीनिनेस मेंटेन करके रखनी है अपने रूम में। ट्राई कि आपके रूम में सनलाइट आए, जो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट होती है, नॉट डायरेक्ट कि धूप में जाकर बैठ जाओ, ट्राई कि आपके रूम में कहीं से सनलाइट थोड़ी थोड़ी आती रहे, तो आपको ज्यादा बेटर फील होता है। इट इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन। यस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको छोटी छोटी हैं, जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये हमें बहुत हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट। देखो, कभी भी कोई मूवी देखी, बहुत ज्यादा मजा आया मूवी में, एक एक डायलॉग याद रहता है। क्रिश मूवी बहुत स्टूडेंट्स को पसंद थी अपने टाइम पे, आपने देखी होगी और आपको एक एक डायलॉग याद होगा उस मूवी का, राइट। तो सेम वही चीज आपको स्टडीज में क्यों नहीं होता, क्यों आपको उस तरह से याद नहीं होता, क्योंकि जब आप उस मूवी को देख रहे थे तो आपको उसमें इंटरेस्ट था, आपका माइंड भी इंटरेस्टेड था उस चीज में, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इसलिए आपको चीजें नहीं याद रह रही है। तो ट्राई करो कि आपको सब चीजें याद रहे, कैसे, विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लाओ पढ़ाई में, इंटरेस्ट लाओ कि यार ये क्वेश्चन कैसे हुआ, यार इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ये कैसे क्लियर होगा, तो उस तरीके का जब इंटरेस्ट आने लगेगा ना, तो सब चीजें ऐसे याद रहने लगेंगी। तो इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन। यस, सेम आप इसी चीज को सोच सकते हैं, आपने एक मूवी देखी, क्योंकि आपने उसको अपने सामने, अपनी आंखों के सामने देखा, तो आपको हर एक चीज याद रहती है कि वो ऐसे चला था, वो ऐसे चला था। सेम उसी तरह की विजुअलाइजेशन अपनी पढ़ाई में लाने की कोशिश करो। जब रिवीजन करते हो ना एट द एंड ऑफ द डे, तो ट्राई करो कि आपके दिमाग में विजुअलाइज हो जाए वो पेज, वो चैप्टर, वो उस तरीके का लिखा हुआ चीज जो आपने आज पढ़ी थी। तो इस तरह की जब विजुअलाइजेशन आने लगेगी तो आपको सब चीजें ज्यादा याद रहने लगेंगी। मैं अपनी पढ़ाई के टाइम पे ऐसा ही करती थी, जब मैं रिवीजन करती थी तो मैं क्या करती थी, मैं इस आंखें बंद करके पूरा इमेजिन करती थी कि इस पेज में ऐसे ऐसे ये चीजें लिखी हुई थी, नॉट एग्जैक्टली कि पूरी पिक्चर आ जाएगी जैसे मूवीज में आती है, बट यस कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो मुझे इस तरीके से विजुअलाइज हो जाते थे, एंड दैट रियली हेल्प्स। यस इट हेल्प्स। तो ये सब
स्टेप्स आप जरूर ट्राई करें, आपकी रिटेन पावर ज्यादा जरूर होगी। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको और क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं याद रखने में। आई वुड रियली फील हैप्पी आपके कमेंट्स पढ़कर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।